हेलो एवरीवन, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिसकी नेक बहुत ही ज़्यादा कोलैप्स रहती है थैंक्स टू द पुअर पोस्चर, लीनिंग फॉरवर्ड, द डिजिटली टाइम प्रेस लाइफ दैट वी हैव इन द मॉडर्न कॉर्पोरेट कल्चर? तो आप भी हो सकते हैं नेक हम्प यानी कि बफलोज नेक के शिकार, बिकॉज ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है उन लोगों के लिए जो 8 से 9 घंटे अपनी डेस्क पर बैठते हैं एंड ऑब्वियसली उनकी नेक बहुत ज़्यादा इस तरह से ड्रॉप रहती है। हेलो एवरीवन, आई एम गरिमा भंडारी, वेलकम टू फिट तक। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही आसान माइल्ड स्ट्रेचेस जो कि आप अपने डेस्क के कंफर्ट में अपनी चेयर पर बैठ के कर सकते हैं, बट आप इनको एवरीडे अगर करेंगे तो आप काउंटर कर सकते हैं अपने पुअर पोस्चर या नेक हम्प को। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पोस्चर जो हम करेंगे उसका नाम है चिन टक। उसके लिए आप या तो स्टैंडिंग एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाएं या फिर अपनी चेयर पर बैठ जाएं, बट मेक श्योर कि आपकी स्पाइन एब्सोल्युटली स्ट्रेट रहे। और उसके बाद आपको अपनी चिन को इस तरह से चेस्ट की तरफ लेके जाना है, एक तरह का लॉक लगाना है यहाँ पर, और कुछ सेकेंड्स के लिए आपको होल्ड करना है। ट्राई टू स्टार्ट विथ 15 सेकेंड्स और धीरे धीरे आप 30 सेकेंड्स to 60 सेकेंड्स तक इसको होल्ड कर सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ वी डू इट। स्ट्रेट बैठ कर इस तरह से ड्रॉप एंड स्टे। ब्रीथ करते रहें, फ्रेश ऑक्सीजन को अपने नेक के हर कॉलम की तरफ सेंड करें। एक्टिव ब्रीदिंग एंड न्यूट्रल। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप इसी का काउंटर करेंगे, उसमें आप अपने नेक को पीछे ड्रॉप करेंगे। सो लिफ्टिंग द नेक, फर्स्ट सिटिंग स्ट्रेट एंड देन ड्रॉपिंग बैक। सो चिन गोज टू द स्काई एंड स्टे हियर फॉर फ्यू ब्रेथ्स। न्यूट्रल। थर्ड एक्सरसाइज भी यहीं से कैरी फॉरवर्ड करेंगे, चिन टू शोल्डर। सो इस तरह से न्यूट्रल पोजीशन से स्ट्रेट बैठें और अपने चिन को फर्स्ट चिन टक करें, उसके बाद इस तरह से लेफ्ट साइड में आप पूरा स्ट्रेच महसूस करें अपने नेक में और अपने चिन को इस राइट शोल्डर की तरफ सेंड करें और फिर सेंटर पर आएं इस तरह से और फिर लेफ्ट साइड। कीप ब्रीदिंग और इस एक्सरसाइज के आप एटलीस्ट 7 to 8 repetitions से स्टार्ट करें। मूव ऑन ग्रेजुअली टुवर्ड्स 12 to 15 एंड 3 sets प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कैट काओ पोस्चर। सो सीटेड कैट काओ पोस्चर के लिए वंस अगेन सिटिंग स्ट्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पाइन शुड बी कम्प्लीटली इरेक्ट इन वन स्ट्रेट लाइन एंड उसके बाद अपने हैंड्स को आप इस तरह से नीज में सिंपली प्लेस करें एंड इनहेल करते हुए अपने चेस्ट को स्काई की तरफ इस तरह से ओपन करें, प्रेसिंग द शोल्डर ब्लेड्स टुगेदर इस तरह से, और एक्सहेल करते हुए अपने स्पाइन को इस तरह से पूरा राउंड रोटेट करें। इनहेल, लुक अप, ओपन एंड एक्सहेल, राउंडिंग द स्पाइन। इनहेल, एक्सहेल। ये एक्सरसाइज भी आप एटलीस्ट 4 to 5 times से स्टार्ट करें एंड ग्रेजुअली मूव टू 8 to 10 repetitions ऑफ 3 sets। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज शोल्डर रोल्स। अगेन वंस अगेन सीटेड स्ट्रेट, एब्सोल्युटली स्पाइन इन अ स्ट्रेट अलाइनमेंट एंड यहाँ से शोल्डर्स को हम पहले क्लॉकवाइज रोल करेंगे और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। And 5 times anti-clockwise. ये एक्सरसाइज भी आप 10 to 15 times कर सकते हैं एंड यू कैन ट्राई डूइंग 3 sets ऑफ शोल्डर रोल्स।
दे से यू आर हेल्दी एज लॉन्ग एज योर स्पाइन इज अलाइव. सो आपको अगर अपनी जिंदगी में लॉन्जेविटी चाहिए और अपनी ये जो नेक के हम्प की प्रॉब्लम का जो इशू है उसको काउंटर करना है, सो यू हैव टू एक्टिवली स्ट्रेच योर इंटायर स्पाइनल कॉलम फ्रॉम सर्वाइकल टू थोरासिक टू लुम्बर. सो लेट्स सी हाउ वी डू द वॉल एक्सटेंशन स्ट्रेच. सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू स्टैंड towards the wall, facing towards the wall. Legs are going to be placed little bit wider than the hip width distance. Hands ko is tarah se apne samne fingers open position mein place kare and then dheere dheere slide kare while sliding back. And then the idea is to not round the spine. Spine ko straight ek line mein rakhte hue apne hips ko piche ki taraf send karte hue aapko puri spine ko is tarah se stretch karna hai ek seedhi line mein. आप चाहें तो अपने हैंड्स को कंफर्टेबली प्लेस कर सकते हैं, रीशिफ्ट कर सकते हैं एंड इस तरह से एक्टिवेशन होता है आपके लेग्स में एंड पूरे के पूरे स्पाइन को एक एक्टिव स्ट्रेच मिलता है. और यहाँ पर आप एटलीस्ट स्टे करें 15 टू 20 सेकेंड्स बिफोर यू कम अप एंड यू कैन रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर 8 टू 10 टाइम्स. सो क्या हम अवॉइड कर सकते हैं अपने डेस्क पर 8-9 घंटे बैठना? Obviously not. So why not perform and include these mild stretches in your everyday lifestyle regime? आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट का टाइम निकालना होगा अपनी हेल्थ के लिए ताकि आप consciously अपने इन areas को problems जो serious problems future में हो सकती हैं compressions की postural deviation की उनको आप avoid कर सकते हैं. And इस तरह के videos मेरे साथ देखने के लिए फिर तक में जुड़े रहें, channel को subscribe करें and like, share, comment ज़रूर करें. Thank you for watching.